अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनिका नजी। आज का वीडियो जो है वो उस अवेयरनेस कैंपेन के रिगार्डिंग है जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आज मुनक्कद कराई गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, आप सबको पता है कि लोकसभा इलेक्शंस जो है कश्मीर में भी होने वाले हैं, तो इस रैली में आपने देखा होगा अलग अलग चीज़ें, टांगा रैली जो है या अलग अलग स्कूल्स के बच्चों को इंक्लूड किया ताकि अर्ली अवेयरनेस एक तो बच्चों में आए और हर घर तक ये आवाज़ पहुंचे कि वोट जो है कितना इम्पॉर्टेंट है हर इंसान के लिए। हमारा वोट इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम उस वोट से अपने आने वाला लीडर जो है चुन सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर और बेहतर मुस्तकबिल की जो है नींव जो है डाल सकते हैं इस वोटिंग के ज़रिए से। बच्चों को इंक्लूड करने का मकसद यही है इस रैली में कि वो जो अर्ली अवेयरनेस है हर घर तक पहुंचे, क्योंकि ये नॉन वोटर्स है, उसके बावजूद भी ये एक पॉजिटिव मैसेज लेकर घर जाएंगे और अपने पेरेंट्स के साथ इंडल्ज होंगे डिस्कशंस में वोटिंग के रिगार्डिंग। और कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स भी इस बात पर गौर करेंगे कि वोटिंग क्यों ज़रूरी है। आपको पता है कश्मीर में ही हम पले बड़े और पैदा हुए, एक टर्मोइल एक हद तक रहा था कश्मीर में, लेकिन फॉर्चुनेटली अब जो ये एरा चल रहा है कश्मीर में जहाँ ऐसी रैलीज हो रही है, जहाँ लोगों को अवेयर किया जा रहा है वोटिंग के लिए और उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि उनका वोट कितना ज़रूरी है और हर इंसान को वोट करना चाहिए, तो मैं भी इस रैली का पार्ट बनी और मैंने बच्चों के साथ थोड़ी सी इंटरेक्शन की और जितनी भी चीज़ें उस सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो मैंने यहाँ पे देखा उसको कैप्चर किया और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँ। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और देखिए कि नौजवान जो है या इस कॉम के जो बच्चे हैं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें अपकमिंग इलेक्शन से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो उन लोगों से जिन्हें वो वोट करेंगे और क्या आउटकम देखते हैं वो इस प्रोसेस के बाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2009 में, वो इंडिया के हर एक स्टेट में चल रहा था, दैट्स कॉल्ड स्वीप, वो हर एक स्टेट में चल रहा था, बट इन जे एंड के इट वॉज नोवेयर। तो अभी रिसेंटली इट्स द फर्स्ट टाइम अगर हम देखेंगे इलेक्शन हो रहे हैं आफ्टर 370, तो ये फर्स्ट टाइम पे है कि वो वाला कैंपेनिंग, वो वाला प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे भी है। और अभी अभी आप देख सकते हो कि उसकी रैली जो है वो इन्होंने निकाली है यहाँ पे। तो क्या है वो, व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट, ये है कि उसमें वोटर्स को एजुकेट किया जा रहा है। अब एजुकेट का क्या मतलब है कि यहाँ पे कश्मीर, जे एंड के की बात करें तो कश्मीर के जो वोटर्स थे दे वर अफ्रेड ऑफ कास्टिंग वोट, मोर ओवर वो वाले लोग जिनको पता नहीं है कि वन वोट की वैल्यू क्या है, बिकॉज एक वन वोट जो है वो आपके उस रिप्रेजेंटेटिव को चेंज करता है जो आप नेशनल वाइड में उसको ये कर रहे हो फाइव फॉर फाइव ईयर्स, टर्म्स ऑफ फाइव ईयर्स। वोटर्स
देखिए हमारे से अगर हम बात करें इस इलेक्शन प्रोग्राम में आज बहुत सारे लोग हैं बारामूला के युवाओं को आज हिस्सा ले रहे हैं, हमारे जो यूथ है उनको आ रहे हैं, इस वाले से आप क्या बताना चाहते हैं, किस तरह से लोगों को इस वोटिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वोट बात करें अवेयरनेस हम लोगों को देना चाहते हैं कि जो हमारे नए वोटर्स भी जनरेट हुए हैं या जितने भी लोग हैं कश्मीर में या लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं कश्मीर में, तो उनका वोट जो है बहुत महत्व रखता है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एक एक वोट जो है जब काउंट होगा तब जाके जिस लीडर को वो चाहते हैं वो सामने आएगा और उनको लीड करेगा। तो इस हवाले से ही अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है ताकि लोग जो है या न्यू वोटर्स जो है उनको अवेयरनेस मिले ताकि वो अपने वोट को जो है प्रोसेस करें। अगर हम ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे लाए गए हैं जो नॉन वोटर्स, आपको नहीं लग रहा है इनके जरिए एक मैसेज जाती है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने दादा से बात करें, आप अपना वोट अच्छी तरह से पाल करें, तभी हमारे जो भी मुश्किल है जो भी अपनी हमारी आवाज़ है वो आम लोगों तक पहुँचे। अर्ली अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट के जरिए से ये आवाज़ हर घर तक पहुंचेगी और हर एक फैमिली तक पहुंचेगी। जब उनका बच्चा उनसे पूछेगा कि वोटिंग क्या होती है, हमें वोट करना चाहिए, क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, तो पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों के साथ इंगेज होंगे उस डिस्कशन में और इस जो प्रक्रिया है उसको आगे लेकर जाएंगे। तो आपको नहीं लग रहा है अगर हम डिप्टी कमिश्नर बारामूला के हवाले से बात करें, जिस तरह से आज जिले बारामूला हर जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम छोटे छोटे बच्चों के जरिए देखने को मिल रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है ये एक अच्छी मैसेज है? बिल्कुल अच्छी मैसेज है और मुझे लगता है ये मैसेज जो है पूरे कश्मीर में नहीं पूरे देश में होनी चाहिए और लोगों को जो है प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस मिलनी चाहिए ग्राउंड जीरो पे ताकि अपना वोट जो है कीमती वोट जो है। जी मेरा नाम है अरूज वानी, मैं बारामूला से हूँ और ये मेरा पहला वोट है और मैं चाहती हूँ जिसको भी मैं वोट दूँ वो हमारे लिए अच्छा ही करे, क्योंकि यहाँ पे एक बाहर जो लोग रहते हैं उनका एक कंसेप्ट है कि जब भी हम कश्मीर आते यहाँ पे पता नहीं क्या होता है हमारे साथ। मैं उनके साथ बात करती हूँ, मैं टूरिज़्म में जॉब करती हूँ, तो जब भी मैं उनके साथ बात करती हूँ वो हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि आप कश्मीर से हो, कश्मीर में बहुत मतलब वो होता है, आप लोग मारते हो हमें, मतलब बहुत उनके दिल में बहुत बहुत हाँ बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ वो क्लियर हो जाएगी होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ का जो माहौल है बहुत बहुत अच्छा माहौल है, शांति है यहाँ पे, सुकून है यहाँ पे, मतलब हेवन एंड अर्थ है ये हमारा कश्मीर, तो उनको जो दिल में है वो क्लियर होने चाहिए कश्मीर के लिए। So I would like to start with the famous words of John Lewis. He said that it's the most powerful non-violent weapon that we have. He was talking about like our votes. तो मुझे लगता है कि ये जो powerful words है John Lewis के ये बिल्कुल resonate करते हैं आज के world के साथ, क्योंकि अगर हम देखें कि हर एक वोट जो है वो वोट जो है वो काउंट किया जाता है और हर एक वोट की अपनी importance है बहुत, ये हम ही चूज़ करते हैं कि हम कौन सा रिप्रेजेंटेटिव बनाएं जो हमें रिप्रेजेंट करें, हमारी बात आगे तक पहुँचाए। एंड मुझे लगता है वोट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो विगलेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको एक वॉइस मिलती है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आवाज़ लाइक रेज करें, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वायलेंस हो रही है, उसके रिलेटेड वो आवाज़ उठाएं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेरा ये फर्स्ट वोट है जो मैं कास्ट करने वाली हूँ, एंड लाइक आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैं अपना फर्स्ट वोट कास्ट करने वाली हूँ इस बार, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को ही वोट करूँ जो आगे हमारी बात को लेके जाए। हेलो एवरीवन, तो मेरा जो आई वांट टू से लाइक आई एम गोइंग टू कास्ट माय फर्स्ट वोट, तो हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आई वांट देम टू बी सो गुड फॉर माय सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय सोसाइटी, एंड आई वांट देम टू बी द अपहोल्डर ऑफ द सोसाइटी। आई डोंट वांट देम टू डिमोलिश द सोसाइटी, एंड आई वांट दिस कश्मीर टू बी अ रिविशिंग कश्मीर एज वी एज अ कॉमन पीपल हैव ड्रीम्ड ऑफ। एंड बाकी जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारे हर एक सेक्टर के, इस कश्मीर के जो हर एक सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, डेवलपमेंट सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा तरक्की होनी चाहिए। स्पेशली लीडर शुड कंसिडर द यूथ कि हमारी यूथ को कितना प्रॉब्लम आ रहा है, किस सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ को उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनको वो कॉन्कर करना चाहिए।